हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉली ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, सर्दी का मौसम है और सर्दी में अक्सर जो हमारी स्किन है वो बहुत ही ड्राई हो जाती है। इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कोई भी बॉडी लोशन या कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ करना। तो अक्सर बहुत से लोग पूछते हैं कि हम कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ करें। तो कई बार क्या होता है कि बाजार का मॉइस्चराइजर बहुत से लोग पसंद भी नहीं करते और महंगा भी बहुत होता है। तो आज मैं आपको मॉइस्चराइजर बनाना बता रही हूँ कि घर के अंदर आप मॉइस्चराइजर कैसे तैयार कर सकते हैं जिसके ना तो कोई आपको चेहरे पे साइड इफेक्ट्स हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं। लेकिन इसे बताने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें ताकि आपके पास मेरी हर रेमेडी आसानी से पहुँच सके और हर रेमेडी का आप फ़ायदा उठा सकें। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा नहीं है। ये हमने एक लिया है रोज़ वाटर, आधा हमने लेमन लिया है, ग्लिसरीन, और ये हमने लिया है एलोवेरा जेल, हमने पतंजलि का लिया है। अगर आपके घर में प्लांट लगा हुआ है तो आप फ्रेश जेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें हम डालेंगे एक चम्मच एलोवेरा जेल, ये हमने इसमें डाला है एलोवेरा जेल एक चम्मच। एक चम्मच हम डालेंगे रोज वाटर, एक चम्मच ग्लिसरीन, बहुत ही शाइन आता है ग्लिसरीन से, और एक चम्मच हम डालेंगे नींबू का रस, ये हमने एक चम्मच नींबू का रस डाल दिया। इन चीज़ों को हमने मिक्स कर देना, अच्छे से मिक्स कर दिया है हमने इसे। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि इसे लगाना कैसे। ये क्वांटिटी कम है क्योंकि जस्ट मैंने आपको सिर्फ बना के दिखाया है। आप इसमें इसी मेजरमेंट के हिसाब से डबल डबल चीज या ट्रिपल चीज डाल के इसको बना सकते हैं। तो ऐसी आप कोई भी स्प्रे बॉटल ले सकते हैं, इतनी ले सकते हैं, इसे छोटी स्प्रे बॉटल हो उससे ले सकते हैं, उसके अंदर आप डाल के इसे इस तरह से स्प्रे करते हुए आप निकाल के मॉइस्चराइजर की तरह यूज कर सकते हो। इस तरह की आप बॉटल ले लें। अभी मैं फिलहाल आपको हाथ से दिखा रही हूँ कि आप इस तरह से अपने, मैं हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ, आप चेहरे पे इसी तरह लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा, खुशबू भी बहुत अच्छी है और चेहरे के लिए बहुत अच्छा ये मॉइस्चराइजर है। आप इसे किसी भी जगह पे लगा सकते हैं और हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक आप इसे फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इस बॉटल में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं, इसे 10 से 15 दिन आप यूज करें, उसके बाद आप फिर नया बना लें। तो उम्मीद है आपको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत ही इफेक्टिव आपको ये रेमेडी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई रेमेडी के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।